यूटिलिटी और लग्जरी दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कई बार मैच नहीं करते हैं, लेकिन रेंज रोवर एक ऐसा ब्रांड है जहां पर हम इन दोनों को मैच करते हुए या फिर हार्मोनाइज होते हुए देखते हैं, और कंपनी की जो यूएसपी है वो शायद यही है। और इसी के साथ ही रेंज रोवर स्पोर्ट हमारे पास आई है। टाइम्स आई में आज इसे हम चलाएंगे और इसके अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर नजर डालेंगे कि क्या इसे खास वो एलिमेंट्स बनाते हैं और कैसे यूटिलिटी है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा लग्जूरियस इस कंपनी ने बनाया है, कैसे हमें ये मेसमराइज कर सकती है जबकि कीमत ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। आमतौर पर किसी भी गाड़ी के लुक्स डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग और द फ्रंट, बट इसमें मैं पिछले हिस्से पर जाना चाहूँगा बिकॉज जो रेंज रोवर स्पोर्ट के डिज़ाइन फिलॉसफी को मैं देख रहा हूँ उसमें सबसे प्रोमिनेंट अगर जो एलिमेंट है जो इस डिज़ाइन फिलॉसफी को एक तरीके से डिफाइन करती है, आई थिंक दिस रियर डिज़ाइन, जिस तरीके से इसके टेल लैम्प को आप देखेंगे बॉडी में इंटीग्रेटेड है, ऑलमोस्ट आपको कनेक्टेड लाइट की फील यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। सो मिनिमलिस्टिक होते हुए भी एक बड़े लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ जिस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे हमने टेल लैम्प को देखा है बहुत ही कॉम्पैक्ट और इंटीग्रेटेड है, कुछ भी बाहर प्रोट्रूड करता है वो आपको नज़र नहीं आएगा, वैसा ही आपको इसके हेडलैम्प में भी नज़र आएगा। ये भी काफ़ी नैरो सा और इस पूरे रोबस्ट बड़े से फ्रंट पैनल बम्पर के साथ आपको इंटीग्रेटेड नज़र आएगी। सो एक बहुत ही माचो बुच आपको इसका डिज़ाइन नज़र आएगा, बट एट द सेम टाइम समहाउ इंटरेस्टिंगली सरप्राइजिंगली काफ़ी मिनिमलिस्टिक इसके लाइंस आपको इसमें देखने को मुझे मिल रहे हैं। आई रियली लाइक द वे दिस लुक, स्पेशली जब भी गाड़ी मेरे से आगे चल रही होती है, इस के पिछले हिस्से पिछले डिज़ाइन को देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। दिस लुक्स रियली नाइस। और वही मिनिमलिज्म आपको साइड में भी देखने को मिलेगा, स्पेशली आप डोर हैंडल्स को देखिए, जिस तरह से फ्लश डोर हैंडल्स हैं ये भी अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं और इसका साइड का लाइन भी आपको काफ़ी स्मूथ सा नज़र आता है। और आई एम 6'3" और मेरी हाइट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, गाड़ी काफ़ी बड़ी है जिस प्राइस रेंज में आती है, जिस पोजीशनिंग में आती है, उस हिसाब से ये दोनों तरह के कस्टमर्स को आई गेस डिज़ाइन के हिसाब से आकर्षित करती है, जो साइज़ के मामले में स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो भी, और जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन नहीं चाहते हैं वो भी। सो वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग कार डिज़ाइन। सो गाइस, जैसे मैं कह रहा था, यूटिलिटी और लग्जरी यहाँ पे ऐसा मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा जो बताता है कि किस तरह से अगर हम प्राइस की बात करें, जैसा कि शुरू में ही कहा था 2 करोड़ के आसपास की गाड़ी में आई एम श्योर इस तरह के फीचर्स ज़रूर होंगे जो हम सभी को कार इंथूजियास्ट को या टेक इंथूजियास्ट को मेसमराइज करें, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे बैठते ही नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो लगभग 13.5 इंच के आसपास की इस स्क्रीन को अगर मैं देखूं तो यहाँ इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि इसके बहुत सारे फंक्शन आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस सीट को, ये आप देख सकते हैं प्लश सी सीट है, कंफर्टेबल है। आर्मरेस्ट अलग से आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें आप इसके लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। और आर्मरेस्ट के नीचे एक और जादुई कंपार्टमेंट जहाँ पर बटन दबाइए और आपको छोटा सा फ्रिज देखने को मिलेगा। अब मैं इस होम बटन में जाता हूँ, स्क्रीन में क्या क्या आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, उसका एक नमूना इस सीट वाले आइकॉन को जब मैं दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं सीट्स को, न सिर्फ आगे की दोनों बल्कि पिछले सीट्स को भी इतने तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इट विल सरप्राइज यू। जैसे इस वाले में मैं देख रहा हूँ ये ड्राइवर सीट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हेडरेस्ट को भी मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, अगर यहां देखें ऊपर नीचे कर सकता हूं, बैक के फर्मनेस को, लंबर सपोर्ट को मैं आगे पीछे कर सकता हूं, और किस तरह से मुझे एंगल चाहिए, कहां पे उठा हुआ या सपोर्ट चाहिए वो मैं चेंज कर सकता हूं। बोलस्ट्रिंग जो है यानी साइड में जो आपको मिलती है वो बोलस्ट्रिंग भी आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी टर्न जब कर रही होती है तो ये सीट आपको अच्छे से स्नग करके रखती है और कई बार आपको फटीग
कम महसूस होता है। नीचे जो सीट है उसे तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं, इस बटन को मैं दबा रहा हूँ, और यहाँ जो कुशनिंग है वो आप आगे पीछे इसको होता हुआ महसूस करेंगे। सो मेरे जैसे हाइट के लिए अगेन बहुत ही जोरदार फीचर, मेरी उम्र के लिए एक और फीचर, यानी हमारी उम्र में आके जब आपको लगेगा कि हाँ थक गए हैं 10 मिनट की ड्राइव के बाद, तो मसाज करने के 17 तरीके। यहाँ पे फ्रंट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक यहाँ पर पावर बटन है, इसमें 5 लेवल की इंटेंसिटी है जो आपके बैक को मसाज चालू हो चुका है। फिलहाल ये वेव मोड में है। इस मोड को जब आप दबाते हैं तब पता चलता है कि इतने अलग अलग डायरेक्शन में वेव और रोलिंग में आपके पास 5x4 ऑलमोस्ट 20x5 100 तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग विद दिस मैथमेटिक्स, लेकिन बहुत तरीके से आप ये मसाज के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। दोनों सीट में ये आपको अवेलेबल मिलेगी। और इसके अलावा आप जैसे हम लोग देखते हैं गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो जो सीट्स हैं वो भी आपको कूल यहाँ पर मिल रहा, वाह ठंडी हवा आनी शुरू हो गई यहाँ पीछे से, फैंटास्टिक। जब आप मोर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो 5 सीट को एडजस्ट करने का कंट्रोल आपको यहाँ मिल रहा है, जहाँ पे आप जब फोल्ड ऑल दबाएंगे तो सभी सीट्स जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे। जो पीछे वाली सीट है उसे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। जिस सेगमेंट की गाड़ी है वहाँ पे जो ओनर है ऑब्वियसली पीछे ही बैठेगा, वहाँ पे ज़्यादा आरामदेह आपको वो सीट मिलती है। ये कहानी हो गई सीट की। अब आपको बताते हैं एक और फीचर जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था और वो भी काफ़ी कूल लगा था, या फिर बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा है लेकिन हमने जो टेस्ट किया उस हिसाब से काफ़ी प्रिसाइज लग रहा था, और वो है पैरेलल पार्किंग। तो आपको मदद मिलेगी ही, ये कार खुद ही पैरेलल पार्क कर देगी, साथ में फॉरवर्ड आउट और रिवर्स आउट भी है, यानी अगर आप किसी पार्किंग से पीछे हट के फिर निकल रहे हैं या किसी पार्किंग से आगे जा के फिर निकल रहे हैं, वो दोनों ही आप इससे ऑटोमेटेड यानी स्टीयरिंग टच करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कार विल हेल्प यू आउट। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो तो आपको इसमें मिलेगा ही। इसके अलावा 4x4 वर्जन जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं। सस्पेंशन कौन सा एंगेज हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप इस मैप के ज़रिए या इस ग्राफिक्स के ज़रिए समझ सकते हैं। वेट सेंसिंग में आपको बताएगा कि जब पानी में गाड़ी जा रही है कहाँ तक वो पानी आ रहा है वो आपको पता चलेगा। अब मैं उस हिस्से पे आता हूँ इस रेंज रोवर स्पोर्ट में जो मुझे सबसे पहले सबसे ज़्यादा सरप्राइज या मेसमराइज कर रही थी, और वो है कैमरा एंगल। जैसे मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे आप ड्राइव करने नहीं जा रहे हैं बल्कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म बनाने जा रहे हैं। इतने सारे आपको कैमरा एंगल मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको जो सिमुलेटेड इमेज मिल रहा है, जो एक्सटर्नल इमेज मिल रहा है, और ये सेंसर्स या कैमराज जो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे फ्रंट और रियर में आप देख सकते हैं। उसका डिस्प्ले आप अलग से सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे मैं लेफ्ट फ्रंट देख रहा हूँ तो लेफ्ट फ्रंट का यहाँ पर मुझे विजुअल मिल रहा है, राइट रियर कॉर्नर में देख रहा हूँ तो वहाँ पे मैं उस कैमरे यानी उधर मैं देख सकता हूँ। यही नहीं, जब आप ऑफ रोड के लिए जा रहे हैं तो बॉनेट के अंदर भी आप या बॉनेट के नीचे जो इमेज है कैमरा वहाँ से भी आपको विजुअल दे रहा है। सो यू नो कि किस तरह के टेरेन में आप इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सो दैट यू आर सेफर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल्ड, और जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको काफ़ी हाई डेफ देखने को इसमें मिलता है। एक जो फीचर है अगेन जैसा कि आप रेंज रोवर में आमतौर पर या लैंड रोवर रेंज रोवर या जो पूरी फैमिली है वहाँ उनकी USP हुआ करती थी, आप कई बार मिस करते हैं इस तरह के ड्राइव सेलेक्ट में, तो यहाँ पर वो भी आपको ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए पॉपअप शफल और ये डायल है, इससे आप अलग अलग ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सो कंफर्ट मोड है, ग्रास ग्रेवल स्नो प्रोग्राम सेलेक्टेड, मड रट्स सैंड वेड, और इको और डायनामिक, 7 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स एक इस शफल की बदौलत। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, इसके ऊपर तो पूरी अलग स्टोरी बन सकती है, लेकिन जिस तरह से ये कैपेबिलिटी और लग्जरी और कंफर्ट को मिक्स करके हार्मोनाइज करके कंपनी ने इसमें फीचर्स डाले हैं, आई रियली लाइक इट। और जो मिनिमलिज्म की मैं बात बोल रहा था, यहाँ पे भी बटन्स आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल बटन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक ही डायल को आपने प्रेस किया तो सीट के वेंटिलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं,
फिर से प्रेस किया तो आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे पुल किया तो फिर आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये कहानी रेंज रोवर स्पोर्ट के लिस्ट ऑफ फीचर्स की, केवल इसी हिस्से में बताते बताते सोचिए कितना वक्त गुजर गया। वैसे आपको बताएं, स्क्रीन के ठीक नीचे वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मुझे देखने को मिल रही है। रियर व्यू मिरर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर रियर व्यू कैमरा आप यहाँ देख सकते हैं, जो आउटपुट है अगेन वेरी क्लीन वेरी क्लियर। इसे भी आप दिन के अलग अलग हिस्से में, चाहे रात में ड्राइव कर रहे हैं, दिन के हिस्से में ड्राइव कर रहे हैं, सो ब्राइटनेस को आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो पीछे कैमरा लगा हुआ है, जो दो शार्क फिन एंटेना आप देख रहे होंगे, उसमें से एक स्ट्रक्चर में आपको कैमरा फिटेड नजर आएगा। रानी समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ रेंज रोवर स्पोर्ट। यहाँ पे नीरूम भी अच्छा मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, फुट मूवमेंट के लिए जगह है, बैक भी आपको कंफर्टेबल रहेगा, हेडरूम भी है, लेकिन ये वो एलिमेंट नहीं है जहाँ हम 2 करोड़ की गाड़ी में जब इस तरह के एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करें। यहाँ बात होनी चाहिए फीचर्स की और लग्जरी की। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, इस बटन को दबाइए, इस सीट को भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं और ये काफ़ी पीछे तक जा रहा है। जिस तरीके के एंगल में आप यहाँ लंबी दूरी पर आराम से जा सकते हैं, काफ़ी आरामदेह आपको जगह मिलेगी। यहाँ पर इस बैक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 60-40 स्प्लिट है, लेकिन बीच में फॉर एग्जांपल आप गोल्फ के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर पूरा किट अगर आप या लंबा कुछ सामान रखना चाह रहे हैं सो इस तरीके से आप 40-40-20 में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। और इस आर्मरेस्ट के नीचे क्या कुछ है, तो आर्मरेस्ट के नीचे फ़ोन रखने के लिए आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा और 2 कप होल्डर्स या बॉटल होल्डर्स आई वुड से ये आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपको क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आई गेस 4 जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी चारों जो पैसेंजर हैं वो अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और जो प्लग पॉइंट है वहाँ पर आप अपने रेगुलर चार्जर्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और सी टाइप के 2 चार्जिंग पॉइंट और 12 वोल्ट का एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है कहानी रेंज रोवर स्पोर्ट के सेकंड रो। गाइस, रेंज रोवर स्पोर्ट के ड्राइव की कहानी अब शुरू करते हैं। यहाँ पर बैठते ही जो पहली चीज महसूस मैंने की या महसूस अभी करेंगे वो ये कि एक टिपिकल SUV है। आप चढ़ के ऊपर यू नो आप हाइट पे बैठते हो, ज़्यादातर चीज़ें आपको भारी भरकम, थोड़ा सी ओवरसाइज आपको ये लगता है, और एक बैठते ही जो आपको फीलिंग आती है कि एक बड़े साइज़ के SUV में आप बैठे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रही है, डिज़ाइन के हिसाब से इतना मिनिमलिस्टिक है ये, उस हिसाब से इसका बिहेवियर, ड्राइविंग बिहेवियर वो भी क्या वैसा ही एक भारी भरकम SUV वाला है या ज़्यादा रिफाइंड है कार की तरह, लेट्स फाइंड इट आउट। अब यहाँ पर 7 अलग अलग ड्राइविंग मोड इसमें मुझे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ रेन, वेट, सैंड, आइस टाइप के अलग अलग ऑप्शंस शायद आपको दिखें। वाटर वेडिंग यानी आप पानी वानी के रास्ते से भी निकाल के लेके जा रहे हैं। डायनामिक मोड में मैंने फ़िलहाल इसे रखा है, और वहाँ पे किस तरह से फील करती है ये देखते हैं। वैसे गाइस, इसके ड्राइविंग बिहेवियर से या डायनामिक से ज़्यादा इम्प्रेसिव जो शुरुआत में मुझे लग रहा है, आपको भी शायद लगे, जो इंजन का ग्राउल है, आई रियली लाइक इट। आप सुन सकते हैं, आई गेस, आई होप, जो ग्राउल है दैट इज नाइस, फील लेता कि हाँ एक यू नो वॉल्यूम, एक ठोस, एक बड़ा इंजन इसमें लगा हुआ है। अब बात करते हैं इसके ड्राइविंग बिहेवियर की। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इंजन की पावर डिलीवरी है वो मुझे काफ़ी लीनियर सी लगी है, वहाँ पे आपको कोई लैग महसूस मोरलेस नहीं होगा, बहुत ही रिफाइन आपको वो डिलीवरी, पावर डिलीवरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साथ में ये भी मैं कहूँगा कि दूसरी चीज़ जो आप सबसे पहले महसूस करेंगे वो एक टिपिकल बड़े SUV की तरह जो बनावट है वो आपको रिजिड फील होगी, जो सस्पेंशन की फील है या जो अचानक से आने वाले छोटे रंबल स्ट्रिप्स हैं वो आपको
कैबिन में अंदर तक सुनाई जरूर देंगे, अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि सेटअप जो है वो रिजिड वाले साइड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आपको महसूस होगा, जैसे एक स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप आ रही है तो आवाज़ तो आई लेकिन हल्का सा आपको महसूस होगा कि हाँ ये टिपिकल एक एसयूवी वाली फील इसमें नज़र आएगी। सो अगर आप एक एसयूवी की बात करें उसके लिए बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल फिट है ये सेटअप। इस प्राइस रेंज में हमें ये भी पता है कि कितने लोग इसे ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाएंगे या लेके जाते हैं, वहाँ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा कंफर्ट मोड जो है उसे भी ट्राई कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो अलग अलग ड्राइविंग मोड्स हैं उसमें ज़्यादातर ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग या मुश्किल टेरेन पर जाने के लिए इसकी सेटिंग है, जिसका इस्तेमाल फिलहाल हम इस टेस्ट ड्राइव यूनिट के साथ तो नहीं कर रहे हैं। मोस्टली इसका जो यूजेज है ड्राइविंग है वो हम रोड के ऊपर ही कर रहे हैं, जिस तरह से ये मीडिया यूनिट अभी फिलहाल हमें असाइन किया गया है। जिस माहौल में हम ड्राइव कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं दो चीज़ें ज़रूर कहूँगा कि रिफाइन तो है, पावर डिलीवरी आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर्व अगर मैं कहूँ बहुत ही स्मूथ लगी, लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि चाहे आप किसी भी मोड में ड्राइव करें एक हल्का रिजिडनेस या जो फर्मनेस है स्टीयरिंग बिहेवियर में भी सस्पेंशन में भी आपको लगेगा, यानी एक टिपिकल कार वाली फील आपको इसमें नहीं मिलेगी। साइज़ भी इसका वैसा है तो वो आप मत सोचिएगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसको ड्राइव करना मुश्किल होगा, आई डोंट थिंक सो। ये ड्राइव करने में आसान है बट एट द सेम टाइम थोड़ी भारी भरकम एसयूवी वाली फील भी ये ज़रूर देती है। आखिर में सवाल वही है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, आई गेस बिंदु विश्राम करती है स्टेटमेंट के ऊपर। ये जैसा मैं बाहर से देख पा रहा था जो इसका प्रेजेंस है वो शायद सबसे बड़ी यूएसपी इसकी हम कह सकते हैं, तो नाम भी है प्लस जिस तरह का डिमेंशन इसका है जो डिज़ाइन है वो इसे एक बहुत ही यूनिक पैकेज ज़रूर बनाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बोल्ड या आउटरेजियस स्टेटमेंट भी आप नहीं दे रहे हैं बट एट द सेम टाइम एक रोबस्ट एक यू नो फर्म सा स्टेटमेंट स्टाइल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं पर्सनालिटी के हिसाब से, और उसके लिए जो प्राइस है आई गेस इस सेगमेंट में बहुत कंपटीशन तो नहीं है वहाँ पे, ये अलग स्टैंड भी करती नज़र आती है, यानी आप खुद भी अगर ड्राइव करना चाहें पीछे भी बैठना चाहें टेक्नोलॉजी फीचर्स और प्रेजेंस एक बहुत ही ज़ोरदार पैकेज इसे बनाती है द अपडेटेड रेंज रोवर स्पोर्ट। आपको कैसी लगी गाड़ी, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, कोई राय आप भेजना चाहते हैं कोई सवाल है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो अच्छा मौका है, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, ड्राइव सेफली, सीट बेल्ट्स आगे पीछे कहीं भी बैठे हैं ज़रूर लगाइए, राइड आप अगली सीट पर या पीछे सीट पर कर रहे हों हेलमेट ज़रूर लगाइए।